डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवा खालिद। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्कोपस के ऊपर। हमने एकेडमिक जर्नल्स का नाम तो सुना होगा और एकेडमिक जर्नल्स में हमें बार बार ये, जैसे अगर हम रिसर्च स्कॉलर हैं तो हमें बार बार ये कहा जाता है हमारे अपने एकेडमिक प्रोफाइल के लिए हमारे पेपर जो है वो अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होने जरूरी होते हैं। तो अब पीएचडी की भी जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से हमें पेपर जो है पब्लिश जरूर कर देना चाहिए। अपने रिसर्च के जो पीरियड के अंदर भी दो पेपर हमारे अच्छे जर्नल्स में, पीयर रिव्यूड में, या डिफरेंट स्कोपस का नाम हमने सुना है, डिफरेंट इस इंडेक्सिंग में हमारे पेपर्स जो है या यूजीसी केयर में पब्लिश होने चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोपस क्या है। स्कोपस में पेपर्स जो है उनकी बहुत वैल्यू मानी जाती है, लेकिन स्कोपस होता क्या है आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी प्रीवियस वीडियो के लिए आप लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करना ना भूलें। बाकी की मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहां पे आप जाकर के जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उनको आप देख सकते हैं, जो कि यूजीसी सिलेबस, आपकी यूपीएससी सिलेबस, ऑप्शनल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, या अदर मोटिवेशनल इन्फ्लुएंशियल वीडियो है जिनके बारे में आप वहां पे जाके लिंक को क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं। और फ्री बुक्स के लिए फ्री पीडीएफ बुक्स जो कि ऑल कोर्सेज के लिए अवेलेबल है विद एनसीईआरटी, www.mysocialbliss.com पे, जहां से आप फ्री में पीडीएफ फॉर्मेट में बुक को फॉर ऑफलाइन रीडिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्कोपस, स्कोपस क्या है, व्हाट डज स्कोपस कवर, स्कोपर क्या, स्कोपस क्या कवर करता है, या व्हाई स्कोपस कंसीडर्ड, क्यों स्कोपस को इतना ज्यादा कंसीडर किया जाता है, द वैल्यू ऑफ स्कोपस इंडेक्स इन जर्नल। तो वैल्यू ऑफ स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स की क्या वैल्यू है, एंड हु यूजेस स्कोपस, एंड इफेक्ट्स ऑफ स्कोपस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन आवर करियर। और जो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा वेब ऑफ साइंस के बारे में, स्कोपस ऑफ वेब ऑफ साइंस जो है, जो दो तरह के जर्नल है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्कोपस की तरफ कि स्कोपस क्या चीज है, व्हाट इज स्कोपस। तो स्कोपस इज ए बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशंस फॉर एकेडमिक जर्नल आर्टिकल। स्कोपस जो है, स्कोपस बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है जहां पर रेफरेंसेज होते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशंस जो होते हैं जहां से हम एकेडमिक जर्नल्स के लिए लेते हैं, जिनकी की बहुत ज्यादा हमारे एकेडमिक जर्नल में उनकी वैल्यू होती है, उनकी रिलायबिलिटी होती है। तो स्कोपस को ओन किया है एलसीवर ने, एंड इट्स अवेलेबल ऑनलाइन बाय द सब्सक्रिप्शन, ये अवेलेबल होते हैं। सो सर्चेज इन स्कोपस आल्सो इनकॉर्पोरेट सर्चेज ऑफ पेटेंट डेटाबेस। तो पेटेंट जो डेटाबेस हैं, जो कि पेटेंट होते हैं, उनके लिए भी हम स्कोपस को सर्च करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, स्कोपस कवर करता है नियरली 24,000 टाइटल्स फ्रॉम ओवर 5,000 पब्लिशर्स। अराउंड 5,000 पब्लिशर्स से 24,000 टाइटल्स जो है वो कवर करता है स्कोपस, ऑफ विच 20,000 आर पीयर रिव्यूड जर्नल इन द साइंटिफिक, टेक्निकल, मेडिकल और सोशल साइंस डिसिप्लिन के अंदर इनके जर्नल जो है वो पब्लिश होते हैं। कौन यूज करते हैं स्कोपस का, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। स्कोपस इज डिजाइन टू सर्व द इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लाइब्रेरियंस अक्रॉस द एंटायर एकेडमिक कम्युनिटी। तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्कोपस को जो होता है उनके लिए डिजाइन होता है, जिनसे कि इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे एजुकेटर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लाइब्रेरियन हैं, अक्रॉस द एंटायर एकेडमिक कम्युनिटी जो है वो इससे फायदा उठाती है, या इस स्कोपस इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट एंड फंडिंग जो एजेंसीज हैं स्कोपस डेटा को यूज करती हैं, दे कैन हेल्प टू गाइड योर एजेंसी और इंस्टीट्यूट ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, असेस इट्स स्टेटस रिलेटिव टू अदर इंस्टीट्यूशन, और आइडेंटिफाई फंडिंग रिसोर्सेज, एनेबल कोलाबरेशन एंड मेजर रिसर्च परफॉर्मेंस। तो किस तरीके से रिसर्च परफॉर्मेंस जो है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या रिलायबिलिटी है, वो डेटा गवर्नमेंट को या फंडिंग एजेंसीज को, स्कोपस या इंस्टीट्यूशन को ये प्रोवाइड कराते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कोपस कैन हेल्प यू स्टे ब्रेस ऑफ द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या नई नई इनोवेशंस हैं। सो ट्रैक की रिसर्च एंड आइडेंटिफाई की ओपिनियन लीडर्स एंड स्टे अहेड ऑफ योर
कॉम्पिटिशन. सो डेवलपर जो है एलसीवर्स एपीआई प्रोग्राम जो है इनका अलाउज यू टू इंटीग्रेट कंटेंट एंड डेटा फ्रॉम स्कोपस इन टू योर ओन वेबसाइट एंड एप्लीकेशन. तो यहां से हम अपने ओन वेबसाइट के लिए इस डेटा को यूज कर सकते हैं, अपने ओन एप्लीकेशन के लिए, अपने ओन आर्टिकल्स के लिए इन डेटा को डेवलप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्कोपस प्रोवाइड करता है रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन विद अ रिलायबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स फॉर रिसर्च परफॉर्मेंस डेटा एंड एनालिसिस. एंड स्कोपस डेटा इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इन्फ्लुएंशियल यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसकी, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है, US वर्ल्ड न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट बेस्ट अरब रीजन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग होती है इनकी, एंड द शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी एक्सेट्रा इसके अंदर आती है रैंकिंग्स में स्कोपस में. रिपोर्ट्स एंड असेसमेंट थ्रू द बिब्लोग्राफिक और बिब्लोमैट्रिक एक्सपर्टीज ऑफ रिसर्च इंटेलिजेंस एंड द एक्सटेंसिव डेटा सोर्सेज अवेलेबल होते हैं स्कोपस जनरल के अंदर में. तो डॉक्यूमेंट्स टाइप जो होते हैं जो कि इंडेक्स होते हैं स्कोपस के अंदर, तो डॉक्यूमेंट्स टाइप्स इंडेक्स इन स्कोपस आर इंडेक्स इन स्कोपस, तो आर्टिकल होते हैं उसके अंदर, बुक्स होती हैं, चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, एडिटोरियल है, रेटम है, लेटर्स हैं, नोट्स हैं, रिव्यू हैं. और नॉट इंडेक्सिंग जो है स्कोपस में जो इंडेक्स नहीं होते हैं वो क्या चीज है, वो बुक रिव्यूज हैं, कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट हैं जिनको कि हम स्कोपस के अंदर इंडेक्स नहीं कर सकते हैं. दूसरा हमारा पॉइंट है इसके फीचर्स एंड फैसिलिटी. व्हाई स्कोपस कंसीडर, हम स्कोपस को क्यों कंसीडर करते हैं, क्यों नहीं हमारे और भी जर्नल्स हैं लाइक पीयर रिव्यूड जर्नल है हमारे, डिफरेंट और भी जर्नल्स हैं, यूजीसी केयर है जैसे कि हमारे इंडिया में, और अदर जर्नल्स हैं, लेकिन उनके ऊपर हम स्कोपस को क्यों कंसिडर करते हैं. तो ओवर द ईयर स्कोपस बिकेम फेमस फॉर इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स जर्नल, जो इसकी क्वालिटी है जो स्टैंडर्ड है स्कोपस का, इंडेक्सेशन ऑफ ए जर्नल इज कंसिडर्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स क्वालिटी. तो इसकी जो क्वालिटी है उसकी वजह से, जो इसकी रिलायबिलिटी है उसकी वजह से, इसमें जो आर्टिकल्स जो पब्लिश होते हैं वो इतने रिलायबल होते हैं, उनके सोर्सेज, उनकी बिब्लोग्राफी या उनके रेफरेंसेज इतने रिलायबल होते हैं जिसके वजह से इसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है. तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स आर कंसिडर टू बी हायर साइंटिफिक क्वालिटी एज कंपेयर टू द अदर पॉपुलर इंडेक्सेशन सर्विस लाइक पबमेड या एम्बेस या एप्स को या मेडलाइन या एसआरएस एक्सेट्रा. तो इन सबसे ऊपर जो कंसीडर किया जाता है वो स्कोपस को किया जाता है. तो स्कोपस को हम सब्सक्राइब करते हैं फॉर स्कोपस एंड इट्स सर्विस टू अलाउ अस टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द विजिबिलिटी ओनली इफ एन आर्टिकल प्रोसीडिंग्स इज इन ए स्कोपस इंडेक्स जनरल प्रोसीडिंग्स. तो हमारी जो हम सब्सक्राइब जो करते हैं स्कोपस को, इसकी सर्विस को, वो हमें मॉनिटर करती है अलाउ करने के लिए जो स्कोपस के अंदर, जो इंडेक्स के अंदर जो जर्नल्स होते हैं या आर्टिकल्स होती हैं या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं उनको, वो ही हमें दिखते हैं या उनका citations हम कर सकते हैं. तो while we do not question the quality of other indexing services, we will have to work with Scopus for our long-term goal of attaining international ranking. तो international ranking पाने के लिए, हमारे articles को international level पे जाने के लिए हम Scopus index journals का इस्तेमाल करते हैं या अपने articles को उस standard में, उस quality में डाल के Scopus index journal में publish करते हैं. So at a later point we may also recognize the value in publishing in journals indexed by other reputed services. तो स्कोपस के जो फीचर्स एंड फैसिलिटीज हैं यानी वैल्यू ऑफ स्कोपस इंडेक्स जर्नल जो है वो पब्लिशिंग इन स्कोपस जर्नल इज एन इंडिकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ योर वर्क. हमारे वर्क की जो क्वालिटी है, हमारा स्टैंडर्ड, क्योंकि लो स्टैंडर्ड या लो क्वालिटी अगर हमारा वर्क होगा जो अगर रिलायबल नहीं होगा तो कभी भी स्कोपस में वो पब्लिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कोपस में पब्लिश करने के लिए पेपर के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, उसी क्वालिटी के हिसाब से, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम स्कोपस में जर्नल को पब्लिश करते हैं. तो इट ऑल्सो इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग साइटेड एंड हेंस योर साइटेशन स्कोर्स विल गो अप. सो इसके साइटेशन स्कोर्स को बढ़ाने के लिए या साइटेड होने के लिए, नजर में आने के लिए, या हमारे इंडेक्स को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए हम स्कोपस के अंदर जर्नल को पब्लिश करते हैं. तो स्कोपस फॉलो वेरी दैट इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड स्कोपस फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जर्नल्स
एंड प्रोसीडिंग्स. तो बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. एंड पब्लिशिंग इन ए नॉन इंडेक्स जर्नल मे नॉट गिव यू द रिकॉग्निशन यू डिजर्व. तो हमारी जो क्वालिटी है, यानी हमारे जो आर्टिकल्स की जो क्वालिटी होती है, हमारे जर्नल्स की जो क्वालिटी होती है, हमारे रिसर्च वर्क की जो क्वालिटी होती है, ये पेपर हम इंडेक्स स्कोपस इंडेक्स के अंदर अगर हम पब्लिश करते हैं जर्नल में, तो हमारे जो पेपर की क्वालिटी है उसकी वैल्यू जो है, उसका रिकॉग्निशन जो है वो बढ़ जाता है. तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि जर्नल में सिलेक्शन के लिए जो पेपर सिलेक्शन होता है या क्या हमारी शर्तें हैं, वैल्यू क्या है उसकी जो इंडेक्स जर्नल में पेपर को पब्लिश करने के लिए. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल की जो पॉलिसी होती है, तो उसके अंदर जो क्राइटेरिया होता है वो कन्विंसिंग एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है उनको कन्विंस करना पड़ता है. टाइप ऑफ पीयर रिव्यू होते हैं, कई तरीकों से रिव्यू किए जाते हैं पेपर, डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिकल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथर्स एडिटर्स एकेडमिक कंट्रीब्यूशन to the field, clarity of abstract and quality and conformity to stated and aims reliability and of the articles. ये सारे general policy हैं इसके. Content कैसा होना चाहिए, content जो है उसका aims और reliability of articles होनी चाहिए. इस content जो है उसकी citedness of journal articles in scopus, editor standing होनी चाहिए. और publishing regularity जो है इनकी होती है, no interruption in publication schedule, को किसी तरीके का interruption नहीं होता. जो schedule एक डिसाइड होता है उसी तरीके से पेपर पब्लिश होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा होती है. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है, तो फुल जर्नल कंटेंट जो होता है वह अवेलेबल होता है ऑनलाइन. इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल होम पेज अवेलेबल, क्वालिटी ऑफ जर्नल होम पेज. उसके बाद हम देखेंगे जर्नल सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड स्कोपस. तो जर्नल जो सिलेक्शन एडवाइजरी बोर्ड होती है CSAB, जो कि पूरा कंट्रोल रखती है इन जर्नल्स के ऊपर. तो कंटेंट सिलेक्शन एंड एडवाइजरी बोर्ड जो कंप्राइजेस इन 17 सब्जेक्ट चेयर हु आर सीनियर रिसर्चर एक्सपीरियंस इन एडिटोरियल रोल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द ऑल टाइप्स ऑफ सीरियल टाइटल्स विद इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया एंड द सब्जेक्ट चेयर्स हैव द क्लियर ओनरशिप पर टाइटल इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया एंड वी and are ultimately responsible for the final vote as to whether a new journal title is included in the on Scopus or not. So the subject chair can choose either the reject accept the submitted title based on his her own judgment according to the content coverage policy. जो content coverage की जो policy होती है उसके accordingly उसको review करते हैं. कुछ जो seniors researchers होते हैं, जो experience editorial board होता है, वो उनको review करता है, उनके titles को specific area में expertise के हिसाब से divide कर दिए जाते हैं. फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है whether they will accept or not. तो जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, उसके बेसिस के ऊपर ही वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं. स्कोपस में किसी भी तरीके से क्वालिटी को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है. तो स्कोपस में जो टाइटल इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म जो होता है स्टेप, यानी स्कोपस टाइटल इवैल्यूएशन जो प्लेटफॉर्म होता है, ये वेब बेस्ड एडिटोरियल सिस्टम होता है जिसमें स्ट्रीम लाइनिंग एंटायर टाइटल इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है फ्रॉम सबमिशन अंटिल द फाइनल डिसीजन. तो जब सबमिशन से लेकर के फाइनल डिसीजन तक इसमें ही सारी प्रोसेसिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है. तो इंक्लूडिंग द फीडबैक to the suggester and the publisher editor of the newly suggested title consists of peer reviewed content be published on regular basis. To ISSN number hota hai iska, English language hoti hai inki. The step enables the CSAB or the members to evaluate and add new titles and continue basis establish reliable turn around the journal पॉलिसी. तो जो डिफरेंट जो स्टेप होता है वो एनेबल करता है सीसैप को कि मेंबर्स को तो इवेल्युएट करने के लिए, न्यू जर्नल्स को, न्यू टाइटल्स को स्कोपस में जोड़ने के लिए. तो जर्नल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो पेपर होते हैं, कन्विंसिंग एडिटोरियल पॉलिसी इसका काम है, डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिटर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इसमें. तो ये है स्कोपस के टाइटल इवेल्युएशन प्लेटफॉर्म यानी स्टेप. उसके बाद कंटेंट आता है, कंटेंट कैसे होंगे, एकेडमिक कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, क्लैरिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. तो ये जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन होते हैं, हमारे रिसर्च वर्क होते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या फिर सोशल साइंस से रिलेटेड हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, क्लैरिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके अंदर. एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कीवर्ड्स एकदम क्लियर होने चाहिए. कंफर्मिटी विद द जर्नल्स स्टेटेड एम एंड स्कोप उसका क्लियर होना चाहिए. रीडेबिलिटी ऑफ आर्टिकल्स होने चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, नो डिले इन द पब्लिकेशन शेड्यूल. ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है, तो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल होम पेज होते हैं, ये है
स्कोपस जर्नल के अंदर। तो जो एक शेड्यूल होता है, जो रेगुलरिटी बनी होती है कंटेंट की, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है उनकी, लेकिन जो कंटेंट होना चाहिए वो बेस होना चाहिए एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड के रिलेटेड, क्लैरिटी होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट की एंड कन्फर्मिटी विद द जर्नल स्टेटेड एम्स एंड स्कोप। उसके बाद हम आते हैं स्कोपस इफेक्ट्स ऑफ स्कोपस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड करियर। तो स्कोपस डेटा इज हाईली एक्सेप्टेड फॉर रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिंस ओवर द इयर्स स्कोपस हैज एमर्ज एज द पार्टनर ऑफ चॉइस इन द फास्ट डेवलपिंग फील्ड ऑफ रैंकिंग। तो रैंकिंग के लिए हाईली एक्सेप्टेड है ये स्कोपस, जिसको कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं ऑन द हाईली एक्सेप्टेबल बेसिस। एंड जो डेवलपिंग फील्ड है रैंकिंग्स की, उसमें स्कोपस जो है सबसे ऊपर है। तो हम लोग जानेंगे कि स्कोपस की वैल्यू जो है किस तरीके से है। स्कोपस के बारे में हम देखेंगे कि फैक्ट्स जो वेब ऑफ साइंस वर्सेस स्कोपस जो है उसकी वैल्यू को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। वेब ऑफ साइंस वर्सेस स्कोपस क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि नंबर ऑफ जर्नल्स जो है वेब ऑफ साइंस में वो है स्कोपस के अंदर अराउंड 24,000 होते हैं या 22,000 to 24,000 है। और जबकि जो ISI WOS यानी वेब ऑफ साइंस जो है उसमें 12,000 होते हैं। और फोकस होता है फिजिकल साइंस में स्कोपस में, हेल्थ साइंस में, लाइफ साइंस में एंड सोशल साइंस में। और वेब ऑफ साइंस के अंदर भी हम देखेंगे कि इसमें जो फोकस होता है वो होता है साइंस पे, सोशल साइंस पे, आर्ट्स पे और ह्यूमैनिटीज में वो फोकस करते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड कवर्ड होता है, इनिशियली कवर्ड स्टार्टेड फ्रॉम 1996 टू प्रेजेंट, नाउ इंक्लूड सब्सटेंशियल कंटेंट प्रियर टू द 1996 विद सम बैक टू 1823। पर साइंस कंपोनेंट्स होते हैं 1900 से, सोशल साइंस कंपोनेंट जो है वो 1975 एंड आर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज जो कंपोनेंट है वो है 1975 से। तो रैंकिंग की हम देखते हैं तो इनकी रैंकिंग है स्कोपस की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इनकी। और इनकी जो रैंकिंग है वो US वर्ल्ड न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की भी रैंकिंग है स्कोपस की, और शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी की भी रैंकिंग है एंड टाइम्स हायर एजुकेशन की भी रैंकिंग है, द टाइम्स हायर एजुकेशन। और इसमें हम देखते हैं हायर एजुकेशन की भी रैंकिंग है HEC। तो US वर्ल्ड न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की रैंकिंग है, शंघाई रैंकिंग इनकी भी है, एंड WTS मीनिंगफुल मैट्रिक्स लेडन रैंकिंग है इनकी, एंड द यू मल्टी रैंक है इनका, यह है वेब ऑफ साइंस का। उसके बाद है लम्स पब्लिकेशन 1740 से इनका, और इनका वेब ऑफ साइंस का जो है वो 1054 यानी ऑर्गेनाइजेशन सर्च लाहौर यूनिवर्सिटी माना एंड एक्सपोर्टेड इन 8 दिसंबर 2016 इन साइट डेटाबेस अपडेटेड इन द 1 दिसंबर 2016। अपडेट होते हैं ये डेली अपडेट्स होते हैं स्कोपस पे, और वीकली अपडेट्स होते हैं वेब ऑफ साइंस पे। और डेवलपर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो एल्सेवियर हैं इसके स्कोपस के, और इनके हैं थॉमस रूटर्स वेब ऑफ साइंस के। और साइटेशन एनालिसिस जो है स्कोपस में भी है और वो वेब ऑफ साइंस में भी है। कंट्रोल वोकेबुलरी जो है वो इंडेक्स टर्म फील्ड में है यस, लेकिन ये वेब ऑफ साइंस में नहीं है। एक्सपोर्ट फीचर्स जो हैं वो वेब ऑफ साइंस में भी हैं, एक्सपोर्ट फीचर्स जो हैं वो स्कोपस में भी हैं, और अलर्ट सर्विस जो हैं वो स्कोपस में भी हैं, अलर्ट सर्विस जो हैं वो वेब ऑफ साइंस में भी हैं। स्ट्रेंथ इसकी है इन्फ्रेंस डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, सर्च फीचर्स, रिसेंट कंटेंट पोस्ट 1996 से अब तक प्रेजेंटली, एंड द साइंस स्पेशली इन द STM एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। इसके अंदर जो आती है WS में यानी वेब ऑफ साइंस के अंदर है वो है ह्यूमैनिटीज कवरेज, ओल्ड पब्लिकेशंस है, जर्नल साइटेशंस, रिपोर्ट, इम्पैक्ट फैक्टर एंड H इंडेक्स है इसके अंदर। अब हम जानेंगे फैक्ट्स अबाउट स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस के बारे में, यानी 24,000 टाइटल्स हैं, इसमें हमने देखा कि 12,000 टाइटल्स हैं, अराउंड 53 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं स्कोपस के, जबकि 54 मिलियन रिकॉर्ड्स जो हैं वो उस आपके वेब ऑफ साइंस के हैं।
24,000 टाइटल्स हमने देखे स्कोपस के, फैक्ट्स हैं अबाउट स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस. वेब ऑफ साइंस में 12,000 टाइटल्स हैं, 53 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं स्कोपस के, 54 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं वेब ऑफ साइंस के, 5,000 पब्लिशर्स हैं जिसमें 3,300 पब्लिशर हैं वेब ऑफ साइंस के, एंड गोइंग बैक टू 1823 एंड 100 ईयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे वेब ऑफ साइंस में. तो 5.5 मिलियन जो कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स हैं इनके, एंड 6.5 मिलियन कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स हैं डब्ल्यू आपके वेब ऑफ साइंस के पास, WOS के पास. तो यहाँ अपडेट्स होती हैं स्कोपस पे डेली, और WOS पे जो अपडेट्स होती हैं वो होती हैं वीकली. और जो इनके जो सोर्सेज हैं वो सिंस ये इनडायरेक्ट हुआ इंट्रोड्यूस हुआ है इन 2004 में स्कोपस, और जो वेब ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस हुआ 1956 में. उसके बाद आता है आपका अराउंड 3,000 कस्टमर हैं इनके, तो मोर देन 5,600 कस्टमर हैं आपके वेब ऑफ साइंस के. तो हाउ आर सम स्कॉलर्स दे ट्राई टू पब्लिश देयर पेपर इन स्कोपस और द WOS. सो सम स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस कंसर्न दैट WOS इफ डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ट्रू इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वर्क जर्नल्स. सो विद इन द डिसिप्लिन पर्टिकुलरली पार्शियली ड्यू टू द फैक्ट दैट मेनी क्रिटिकल जर्नल्स आर लेफ्ट आउट ऑफ द रैंकिंग एंड कैलकुलेशन, ऐसा कहना है कुछ स्कॉलर्स का. सो WOS डेटाबेस जो है इज मोर स्कॉलरी सोर्स देन स्कोपस डेटाबेस बिकॉज ऑफ मोर देन इंडेक्सिंग. और अंटिल 2004 द वेब ऑफ साइंस वॉज द ओनली इंटरनेशनल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी डेटाबेस अवेलेबल टू ऑब्टेन द लिटरेचर ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस मेडिसिन एंड अदर फील्ड. हाउएवर एल्सेवियर इंट्रोड्यूस स्कोपस विच इज बिकम अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ द WOS. तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग आज जो एक कंफ्यूजन थी हमारे दिल में जो WOS से रिलेटेड या स्कोपस से रिलेटेड, आई होप कि वो अब कुछ दूर हुई होगी. और आप तक ये जो मकसद था इस वीडियो को बताने का, या जो हम पेपर पब्लिशिंग करने के टाइम हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि हमें एक कन्फ्यूजन तो होता है कि कहाँ पब्लिश करें या ना करें, या क्या वैल्यू है स्कोपस की, हम स्कोपस के बारे में बार बार सुनते हैं या वेब ऑफ साइंस के बारे में बार बार सुनते हैं. तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी हद तक जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच पाई होगी. मेरी बाकी की वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाके लिंक को आप देख सकते हैं बाकी प्रीवियस वीडियोस के लिए. और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें. थैंक यू सो मच.